So we'll start. I will explain you the geological time scale again. So geological time scale may the lowest one is the topmost upper wala sabse chalu karte hum log Cenozoic era. फिर उसके बाद में आता है मीजोजोइक एरा, फिर इसके बाद में आता है पैलियोजोइक एरा, एंड इसके बाद में आता है प्रोटेरोजोइक एरा. ठीक है, ये चार एरा हमें याद रखना है. ठीक है, सीनोजोइक एरा, फिर मीजोजोइक एरा, देन पैलियोजोइक era and protozoic era. These four era are there. ठीक है, yesterday I explained you what is era, what is period and what is epoch. ठीक है, तो उसको divide करते जैसे जैसे हम कम इसमें तो वैसे वैसे वो change होता जाता है. तो era बहुत सारे है, चार era है. अभी इनके बाद में जो periods है वो periods को किस तरह से हम explain करेंगे. So periods को याद रखिए, we can explain periods in a different form. Like for example, I will just write the periods of पैलियोजोइक. इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा. परमेन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलूरियन, लुडोविशियन, कैम्ब्रियम. ठीक है, ये सब, दिस आर ऑल ऑफ, दे ऑल बिलोंग टू पैलियोजोइक एरा. ठीक है, देन मीजोजोइक एरा के जो पीरियड्स है वो बताता हूं आपको. मीजोजोइक एरा के पीरियड्स टीजीसी, सी फॉर क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक. ये तीन है मीजोजोइक एरा के पीरियड्स. ठीक है, तो अभी कैसे याद रखना वो बताऊंगा. एक और, हाँ, सीनोजोइक के भी लिख देते हैं पीरियड. सीनोजोइक के दो पीरियड्स है, क्वार्टनरी एंड टर्शियरी. ठीक है, ओके, सो नाउ वी कैन सी दीज आर द पीरियड्स. ये हो गए एरा और ये हो गए पीरियड्स. अभी एरा और पीरियड्स में जस्ट सेकंड, एरा और पीरियड्स में देखेंगे तो एरा है, चार एरा में डिवाइड किया है पूरा, और इसके बाद में ये है पीरियड्स. तो पीरियड्स को लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट है मेरे पास में. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं सब. एरा को भी लर्न करने के लिए शॉर्टकट है. दादा दरवाजा बंद कर. इसका माइक शुरू है, सिद्धि माइक बंद कर, मिच केला बन जाओगे. हाँ, सो दीज आर द पीरियड्स, दीज आर द एरास. एरा याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, सीना और मीना. ठीक है, सीना और मीना, सीना ने मीना को पाला और प्यार भी किया. सीना मम्मी का नाम है, ठीक है, मीना उसके बेटी का नाम है. ठीक है, सीना ने मीना को पाला और प्यार किया. ठीक है, सी फॉर सीना, फॉर सीनोजोइक, मीना फॉर मीजोजोइक, पाला पैलियोजोइक एंड प्यार किया प्रोटेरोजोइक. याद हो गया, यस और नो? यस सर. दिस फोर आर द एरास. सीना ने मीना को पाला और प्यार किया. ठीक है, फिर अभी इनके जो ये है पीरियड्स वो कैसे याद करना है, तो याद रखिए यहाँ से सी कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमेन. तो याद रखना है सी ओ एस, कॉस डी सी पी. ठीक है, कॉस डी सी पी, ये कॉन्स्टेबल होता है ना, जैसे कॉन्स्टेबल डी सी पी, जैसे याद रख सकते कॉन्स्टेबल डी सी पी तेजस, टी जे सी. ठीक है, तो क्या नाम है कॉन्स्टेबल का, कॉन्स्टेबल डी सी पी तेजस. ये कॉन्स्टेबल डी सी पी तेजस कौन है, तो उसके फादर का नाम है. ठीक है, इसके हस्बैंड का, सीनोजोइक के फादर का नाम है, या सीनोजोइक के हस्बैंड का नाम है, मीना के फादर का नाम है. हु इज मीनास फादर, कॉन्स्टेबल डीसीपी तेजस. ठीक है,
सी फॉर कैम्ब्रियम, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिलुरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस, पी फॉर परमेन. ये जो तीन है ये मीजोजोइक के, ठीक है, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक. सो याद रखना है हमको कि ये अलग है, ये छह यहाँ पर, दीज बिलोंग टू पैलेजोइक, दीज थ्री बिलोंग टू मीजोजोइक. ठीक है, तो COS कॉस कॉन्स्टेबल, डीसीपी तेजस. और ये हमें याद रह सकता है जुरासिक से, याद रह सकता है यहाँ पे क्या डायनासोर थे, ठीक है, डायनासोर. और अभी हर इसमें क्या क्या हुआ उसके लिए थोड़ा बहुत यू हैव टू सी द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है, एनसीईआरटी में डिटेल्स नहीं है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत डिटेल्स है, लेकिन कहाँ कहाँ कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हमें याद रखनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटेरोजोइक एरा है उसके बाद में जब पैलियोजोइक चालू हुआ, ये प्रोटेरोजोइक एरा में क्या हुआ, तो इसके इस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ चालू था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ चालू था. फिर पैलियोजोइक एरा में हम अगर बोलते हैं तो पैलियोजोइक एरा में ये एरा यहाँ पे जॉलेस वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और अपीयरेंस ऑफ मैमल्स. सो वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हुए, फिर फिशेस आए चालू हुए, फिर क्या कहते हैं उसको, एम्फीबियंस आए और मैमल्स आए. ये सब कौन से पीरियड में होगा, तो पैलियोजोइक में हो गया, ठीक है. मीजोजोइक में क्या हो गया, तो मीजोजोइक इज नोन फॉर डायनासोरस, ठीक है, डायनासोर्स के लिए वो नोन है मीजोजोइक. और मीजोजोइक पीरियड में क्या हुआ, उस समय जिम्नोस्पर्म्स भी डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स. तो ये मीजोजोइक का हो गया कैरेक्टरिस्टिक. और सीनोजोइक यानी इट इज द लेटेस्ट, ठीक है, अभी जो चालू है वो सीनोजोइक है, उसमें जो क्वार्टरनरी है वो अभी पीरियड चालू है. सीनोजोइक में क्या हुआ, तो इसमें सीनोजोइक का जो टर्शरी पीरियड है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर इपॉक आते हैं बहुत सारे, ठीक है, इपॉक. अभी तक इपॉक नहीं देखे ना हमने, ये हो गए एरा, दीज आर ऑल पीरियड्स एंड आफ्टर दिस देयर इज इपॉक. सो इपॉक आते हैं, तो दिस इपॉक ऑल वी सॉ इन द हॉर्स का, जो ये देखा ना हमने हॉर्स का फाइलोजेनी, उसमें ये सारे इपॉक के नाम है, ठीक है, प्लायोसीन, मायोसीन, ऑलियोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन, पैलियोसीन, पांच इपॉक के नाम है. इफ यू डोंट वांट टू स्पीक, डोंट नीड टू स्पीक, डोंट स्टार्ट योर माइक, माइक बंद करो सिद्धि, माइक बंद करो. ठीक है, ठीक है, तो ये हॉर्स का जो हमने देखा था उसमें है वो. फिर देन लेटर ऑन क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी में क्या हुआ, क्वार्टरनरी में ह्यूमंस अभी इवॉल्व हो रहे हैं सबसे, यानी अभी टॉप पे चालू है जो ह्यूमंस है, ह्यूमन इवोल्यूशन चालू हुआ और मॉडर्न टाइम्स ये सब. सो वी कैन रिमेम्बर दिस होल जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्यू शॉर्टकट्स एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव शोन. ठीक है, सो इफ इट इज क्लियर देन वी कैन गो फॉरवर्ड. सो जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर, समझा सबको? यस सर, यस सर. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड देन. अब हम जाएंगे उस डायग्राम पे, ठीक है. नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स. तो अब इसमें कौन सा पार्ट बताया, तो इसमें पैलियोजोइक बताया, ठीक है, पैलियोजोइक पीरियड एरा बताया, मीजोजोइक एरा बताया और सीनोजोइक एरा बताया इसमें, ठीक है, प्रोटेरोजोइक के बारे में नहीं बताया, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेरोजोइक नहीं बताया. फिर पैलियोजोइक में भी कॉस डीसीपी है ना, ठीक है, तो सी और ओ नहीं खा लिया इन्होंने, सी और ओ नहीं बताया, डायरेक्ट एस और डीसीपी बताया, ठीक है, और इसके बाद तेजस टी जे सी बताया और ये क्वार्टरनरी बताया, ठीक है, इसमें प्लांट्स के इसमें सिर्फ नीचे वाला स्केल इन्होंने खा लिया है, इन्होंने नहीं बताया. अब इसको याद कैसे रखने का, तो इसको एक क्लोरोफाइट एंसेस्टर, इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्लोरोफिल था उनमें, ठीक है, क्लोरोफाइट. फिर आपको जैसे यू ऑल नो 11th में आप सबका हुआ है ये टॉपिक कि जैसे सबसे पहले जो क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल वाले, या हम बोल सकते हैं इनको वी कैन से देम अल्गी. सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लांट्स में दे आर अल्गी. फिर अल्गी के बाद आएंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आएंगे टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में सीड वाले जब आते हैं प्लांट्स, तो उसमें फिर आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो ये बाद में आ जाएंगे जब सीड्स की बात होगी, फ्लावर्स और ये सब, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे. सो अल्गी से स्टार्ट हो रहा है. तो अभी इस डायग्राम में आप देखो, यू कैन सी
स्टार्टेड विद क्लोरोफाइट एंसेस्टर यानी अल्गी है, ठीक है। अल्गी के बाद क्या बताया, ट्रकियोफाइट बताया, ट्रकियोफाइट और टेरिडोफाइट्स। सो ये भी टेरिडोफाइट, ये भी टेरिडोफाइट, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं तीनों। सो अभी अल्गी के बाद डायरेक्ट टेरिडोफाइट नहीं, बीच में ब्रायोफाइट आना चाहिए, इसलिए देखो ये जा रहा है ऊपर, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स। समझा? यस और नो? यस। ठीक है, तो ब्रायोफाइट आ गया, फिर उसके बाद ट्रकियोफाइट। अभी ट्रकियोफाइट से ये ट्रकियोफाइट और जो राइनिया टाइप और साइलोफाइटम, ठीक है, ये लाइन से ऐसा। अब यहाँ से एक दूसरा निकलता है जोस्टेरोफाइलम, ये आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स और हर्बेशियस लाइकोपोड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स। ये यहाँ से इनके बीच में से आता है, दोनों के बीच में। जैसे यहाँ से ब्रायोफाइट आ गया, अभी टेरिडोफाइट, ये ज्यादा एडवांस टेरिडोफाइट से, ठीक है, साइलोफाइटॉन राइनिया और साइलोफाइटॉन। अभी राइनिया कैसे, ये कैसे याद रखना है, तो आप जैसे याद रख सकते राइनिया यानी रानिया, ठीक है, रानिया रानी, ठीक है, और क्लोरोफाइट यानी अल्गी, ठीक है, अल्गी से ट्रकिया आप बोल सकते हैं, ट्रेकिंग, ठीक है, अल्गी के ऊपर ट्रेकिंग करते हुए रानी फिसल गई, ठीक है, अल्गी के ऊपर ट्रेकिंग करते हुए रानी फिसल गई। लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर क्लोरोफाइट, ट्रकियोफाइट, रानिया टाइप एंड साइलोफाइटॉन। समझा? Yes, sir. ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इसको, और कोई चारा नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो, हार्डली क्वेश्चन कभी पूछा गया है, लेकिन अगर आता है तो उस एंगल से हम देख सकते हैं, वैसे उसको सोच सकते हैं, ठीक है। अभी वहां से अगर बोलते हैं हम लोग इसके आगे, फिर साइलोफाइटॉन है, साइलोफाइटॉन से आगे ये बहुत सारा, इससे बहुत सारे सब लोग इसी से निकलते हैं, लेकिन इससे हम देखेंगे साइलोफाइटॉन तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म से, बहुत सारे टेरिडोफाइट से। तो जैसे ये जिंगो है, दिस इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये कोनीफर्स है, ये भी जिम्नोस्पर्म से, तो साइलोफाइटॉन से जिम्नोस्पर्म भी निकल रहे हैं, और फर्न्स है जो कि टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, स्पेनोप्सिड्स है, ये भी टेरिडोफाइट्स है। तो इससे साइलोफाइटॉन से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, और ये भी इनमें भी मिक्स जिम्नोस्पर्म्स भी है। तो यहाँ भी देखो सारे जो चीज निकल रहे हैं ये भी जिम्नोस्पर्म से, तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ये कैसे निकल रहे हैं, साइलोफाइटॉन से निकल रहे हैं। और कुछ प्रो जिम्नोस्पर्म है वो सीड फर्न्स में हो जाते हैं कन्वर्ट, और बड़े बड़े फर्न्स थे किस समय, तो जिस समय डायनासोर थे उस समय, ठीक है, डायनासोर के टाइम पे देखो आप फर्न्स है और साइकेट्स जो कि सीड फर्न से आए हैं, तो डायनासोर के टाइम पे बड़े बड़े फर्न्स थे, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सीड फर्न्स से स्पेशल जो आ गए वो आ गए डाइकोटिलेडोन्स और फिर एंजियोस्पर्म्स आ गए जो कि फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो लाइक दिस यू कैन इन शॉर्ट रिमेम्बर द होल डायग्राम। बेसिक क्वेश्चन अगर आ सकता है तो फर्न्स के बारे में आता है थोड़ा बहुत, और साइलोफाइटॉन से आया है ऐसा कुछ आ सकता है, ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आए कभी, हार्डली क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर हमें रिस्क नहीं लेना है, दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीटिंग होल टॉपिक, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू दिस अनदर एग्जाम, अनदर पार्ट इन विच एनिमल्स के बारे में बताया, मोस्टली जो रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, वो सब के बारे में बताया। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पीरियड्स बताए हैं सारे, और कौन सा पीरियड यहाँ पे है, तो एक पीरियड है जो कि कौन सा पीरियड है मिसिंग है यहाँ पे, cos यानी cos, और फिर उसके बाद क्या था, dcp है ना, तो cos और d ये एब्सेंट है, डायरेक्ट c से चालू हो रहा है, ठीक है, c से चालू हो रहा है डायरेक्ट, नीचे cos और d ये एब्सेंट है, C से चालू हो रहा है, डी सी पी टी तेजस टी जे सी, ठीक है, और फिर टर्शियरी और क्वार्टरनरी, समझ रहा है? Yes. और ये क्या है, ये 50, 100, ये सब क्या, ये बिलियन ईयर्स अगो, इतने ईयर्स, बिलियन ईयर्स अगो ये सब था, ठीक है। तो अभी इतने ईयर्स अगो, तो ये अर्ली रेप्टाइल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। फिर उनके दो टाइप्स है, सौरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। सौरोप्सिड्स का कुछ नहीं हुआ आगे जाके, ठीक है, इनको भूल जाओ, ठीक है, अभी हम इनके बारे में अभी नहीं बोलेंगे, सौरोप्सिड्स याद रखो, ठीक है, सौरोप्सिड्स जो भी आए आए। साइनेप्सिड्स हमें इंपॉर्टेंट है, साइनेप्सिड्स से क्या हो गया, साइनेप्सिड्स से पेलिकोसोरस, थेरेप्सिड्स, और वहां से आए मैमल्स, ये याद रखना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट पेरेंट टीचर्स मीटिंग, एम फॉर मीटिंग। तो इसका शॉर्टकट क्या है, स्टूडेंट पेरेंट टीचर मीटिंग, ये याद रखना। मैमल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैमल्स कहाँ से आते हैं, मैमल्स साइनेप्सिड्स से आते हैं, साइनेप्सिड्स का पेलिकोसोरस, पेलिकोसोरस के बाद थेरेप्सिड्स, और फिर आते हैं मैमल्स।
तो स्टूडेंट पेरेंट टीचर्स मीटिंग ये याद रख सकते हो, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है। और ये बाकी जो है बीच वाले सब ये हो गए क्या कहते हैं उसको ये डिसअपियर हो गए अर्थ से ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए सारे। ये थीकोडोंट से, थीकोडोंट यानी क्या, इनके दांत है ना फिक्स्ड है जॉ सॉकेट में, थीकोडोंट बोलते हैं, इसके भी फिक्स्ड रहेंगे लेकिन ये भी खत्म हो गया ठीक है। तो दीज आर ऑल दे फिनिश्ड, हमें बस ये याद रखना है दिस लाइन वी हैव टू रिमेम्बर। साइनेप्सिड्स, पेलिकोसोरस, थेरेप्सिड्स एंड मैमल्स, स्टूडेंट पेरेंट टीचर मीटिंग, खत्म हो गया, बस इतना ही है इसमें। इज इट क्लियर? यस सर। सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके। So we'll move to human evolution. Okay. So where are you at this stage? 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7? आप कौन से स्टेज पे है अभी? 7. नहीं, हम इसके भी आगे है यार ठीक है। जस्ट ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये लास्ट में आया कहाँ पे, आके कंप्यूटर पे बैठा है ना। But we are ahead of that. We are even not just computer, नहीं, we are with mobile. So इसके आगे वाला जो है वो mobile लेके रहेगा, तो वो photo नहीं आया है आगे जाके। अगर आपका किसी का personal photo भेजना है तो आप दीजिए, I will put it in this. I want to, you know, इसको modify करना है, modify it. So please give your photo along with a mobile. Is it okay? Who will send me photos? Raise your hand. अच्छा, nobody, nobody is interested. Many of you, I know you post your photos on Instagram. Some of you daily do TikTok videos, and some of you are putting your photos on this WhatsApp status. So give me one photo, I will put here. What is the problem? Many people, many students will see. Okay, so let us start. Jokes apart. So human ka evolution isme hai. So how humans evolved? Okay, so humans they evolved. It is said they evolved from primitive organisms like monkeys. Okay. So only the, according to me, only the person who discovered this, his parents or his ancestor must be monkey. But just because it is there in our exams, we have to say that we humans have evolved from monkeys. Okay. So initial jo organisms the, wo kaise the? To wo small is hai, kya kehte hai usko? Aise jo tree shrew like organisms bolte hai unko, yani pedo ke upar जो चूहा जैसा है, जैसे ऑर्गेनिज्म यानी चुचुंदर जो बोलते हैं हम उसको, जो जमीन को चिपक के चलता है, वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म से मंकीज इवॉल्व हुए और मंकीज के बाद में फिर ह्यूमंस इवॉल्व हुए। तो ये होमिनिड फैमिली क्या है, ये ह्यूमंस के अलग अलग लेवल्स में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी स्कल में चेंजेस होते गए, और ये पूरा फैमिली उस प्रकार से है। ये सब दिस इज नॉट देयर इन सिलेबस बट जस्ट पिक्चर ठीक है। तो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसको हम बोलेंगे, या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि एक एंसेस्टर था, किसका एंसेस्टर था, ह्यूमंस का भी एंसेस्टर और जो एप्स है उनका भी एंसेस्टर था, उसका नाम है ड्रायोपिथिकस। क्या बोलते हैं उसको, बोलो, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस, तो चालू हुआ ड्रायोपिथिकस से। तो ड्राई से याद रख सकते, पतला है, देखो कितना पतला है वो ड्राई, उसको खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, और बेचारा तब से क्या हो गया, वो ड्राई हो गया। सो ड्रायोपिथिकस ठीक है। सो ड्रायोपिथिकस इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एप्स एंड मैन ठीक है। सो अभी इसका मैं आपको एक ये दे देता हूँ पहले शॉर्टकट, ताकि फिर उसके बाद में आपको ये क्लियर हो जाए, लर्न करने में आसानी हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे हम शॉर्टकट के लिए, ड्रायोपिथिकस, फिर उसके बाद में आता है रामापिथिकस, फिर उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है। इतना याद रख सकते हैं। फॉसिल वाला पार्ट, एक होमो फॉसिलिस भी है जो कि क्रोमैग्नन है मैन, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे, जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ एक बार का, देन वी विल सी, जस्ट अ मिनट। याद
ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हम लोग. बोलो सब लोग ड्रायोपिथेकस. ड्रायोपिथेकस. रामापिथेकस. रामापिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस. होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. नियंडरथल मैन. नियंडरथल मैन. क्रोमैग्नन मैन. क्रोमैग्नन मैन. इसके बाद आता है होमो सेपियंस. यस. होमो सेपियंस सेपियंस. ठीक है, तो अभी इसका शॉर्टकट क्या है? डॉक्टर रामा, ठीक है, विजिटेड ऑस्ट्रेलिया. इसका शॉर्टकट आपको लिख के देता हूँ तो आपके लिए सोपा जाएगा. डॉक्टर रामा हैविंग फॉसिल. ठीक है, डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया हैविंग इरेक्ट नेम फॉसिल. दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस. ठीक है, डॉक्टर ड्रायोपिथेकस रामा, रामापिथेकस विजिटेड का कुछ नहीं है. ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैविंग. अब आप बोलेंगे सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हैविंग चाहिए था. ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक किया है. ठीक है, हैविंग इरेक्ट नीम फॉसिल, तो इसका मतलब क्या है कि एक डॉक्टर रामा था. ठीक है, डॉक्टर राम है. जस्ट डॉक्टर निकालता हूँ मैं इधर आपके. मेरा ड्रॉइंग पहले ही आपको पता है, अच्छा है. तो ये डॉक्टर है, इसके ये क्या है? दिस इज स्टेथोस्कोप उसके हाथ में. ठीक है, डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में गया. हैविंग उसके पास क्या है? तो ही हैड वन इरेक्ट नीम फॉसिल. ठीक है, ये लेके वो किधर गया? ऑस्ट्रेलिया गया. सो दिस इज डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया हैविंग इरेक्ट नीम फॉसिल. ठीक है, तो दिस याद रखिए, ये शॉर्टकट है इसके लिए. तो हम अब एक एक करके स्टडी करते हैं. ठीक है, क्या क्या है? फर्स्ट इज ड्रायोपिथेकस. ठीक है, ड्रायोपिथेकस ये एप लाइक था. ठीक है, और रामापिथेकस ये मैन लाइक था थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया. ये इथियोपिया और तंजानिया ये दो जगह है वहां पे मैन लाइक बोन्स डिस्कवर हुए है, पता चला है. ठीक है, फिर 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स जिनका हाइट 4 फीट था. रामापिथेकस के बारे में बोल रहे हैं. मैन लाइक प्राइमेट्स. प्राइमेट्स यानी कौन? मंकी एप और ह्यूमंस. ठीक है, तो जिनका हाइट 4 फीट तक था ऐसे. फिर उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला. उसका क्या मिला? फॉसिल मिला. ठीक है, इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड. ठीक है, हंटेड विथ स्टोन वेपन्स एट फ्रूट्स. तो पहले ह्यूमन बींग कैसा था ये भी मानते हैं. वो कैसा था? वेजिटेरियन था. ही यूज टू ईट fruits. Then why these people started eating meat, that I don't understand, but still no problem. So here that is we are just talking about some word jugglery or some imagination which scientists have done. So we'll just see what they have done. Imagination kitna kar sakte hai. To unhone bola australopithecus karke aaya tha, african grassland mein mila, stone se hunt karta tha, fruits khata tha. Fir uske baad mein habilis, homo habilis. Theek hai, हैबिलिस यानी क्या? वो उसकी एबिलिटी बहुत थी, हाथों से यूज करता था. ठीक है, उसके मनगट में दम था. ठीक है, तो वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, होमिनिड बोलते हैं, ह्यूमन लाइक बींग को होमिनिड बोलेंगे हम. ठीक है, उसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 cc. सीसी मीन्स क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी. क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है कि जो क्रेनियम यानी कवटी जो होती है, ब्रेन है उसके अंदर जो ब्रेन है उसका कैपेसिटी कितना है, तो उसको क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं. तो 650 to 800 उसका क्रेनियल कैपेसिटी था होमो हैबिलिस का. ठीक है, होमो हैबिलिस देखो ऐसे हाथ से क्या करता था, पत्थर से ये करता था. ठीक है, हाथ से हैंड का यूज करके टूल्स वेपन्स ये सब बनाता था. फिर उसके बाद में आया हैविंग इरेक्ट नीम फॉसिल ना. इरेक्ट, इरेक्ट यानी होमो इरेक्टस. इरेक्टस यानी क्या? स्ट्रेट था ये, इरेक्ट. ठीक है, ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आया. उसका ब्रेन बड़ा था, उसका कैपेसिटी कितना था? 900 cc. ठीक है, और इसने क्या चालू किया? इसने मीट खाना चालू किया. क्यों चालू किया? क्योंकि फायर आ गई थी तब तक. फायर में उसको बंद करके वो मीट खाता था, पका के खाता था. ठीक है, होमो इरेक्टस ने फायर ढूंढ के निकाली. ठीक है, होमो इरेक्टस का स्कल मिला हुआ था, ऐसा था देखो. ठीक है, ये सब फाइल किए हुए स्कल रहते हैं जिनपे सब पे केस हो चुका है सब साइंटिस्ट पे, बट स्टिल ये एक्सेप्टेड. ठीक है, चलो. देन नियंडरथल मैन इरेक्ट नीम फॉसिल. नीम फॉर नियंडरथल मैन. नियंडरथल मैन 4000 से 1 लाख साल पहले था.
उसका ब्रेन कैपेसिटी कितना है, तो 1400 cc, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी आप देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और lived in East and Central Asia, used hides to protect their body, उनका बॉडी ये करने के लिए छुप के रहते थे, buried their dead, ये क्या करते हैं, डेड को बरी करते थे, और स्पिरिचुअलिटी चालू किया था इन्होंने, भगवान को फूल अर्पण करते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें करते थे। देन उसके बाद में बीच में एक चला गया वन पॉइंट, डायरेक्ट होमो सेपियन पे आ गया, बीच में क्रोमैग्नन मैन भी है, ठीक है। तो क्रोमैग्नन मैन का एक स्पेशलिटी है कि क्रोमैग्नन मैन का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो ज्यादा था, 1650, ठीक है, 1650। जैसे इसका नियंडरथल मैन का कितना है, 1400 था, 1400। क्रोमैग्नन मैन का उसको फॉसिलिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए क्रोमैग्नन फॉसिलिस भी बोलेंगे हम लोग। सो उसका 1600 था, 1650 था सीसी, यानी सबसे ज्यादा, ठीक है। और वो क्रोमैग्नन मैन वो रन करता था बहुत फास्ट, हट में रहना चालू किया, केव्स में रहना चालू किया, मोस्ट इंटेलिजेंट, और टास्क करता था, कोई चीजें डिसाइड करके करना चालू किया, टूल्स बनाना ये सब चालू किया, इसके बाद वाला जो क्रोमैग्नन मैन, विच आई कुड नॉट मेंशन इन दिस पीपीटी। एंड लास्ट इज होमो सेपियन, जो कि अभी है, 10,000 से 75,000 ईयर्स तक था होमो सेपियंस, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, केव आर्ट जो देखे अपने अजंता एलोरा में वो सब है ना, वैसा केव आर्ट, या फिर केव में ऐसे ड्रॉइंग सब के उन्होंने, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट कब चालू हुआ, 10,000 साल पहले, उसके पहले ह्यूमन सेटलमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंपैरिजन देखो कि स्कल्स में अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग, बेबी चिंपैंजी और अडल्ट चिंपैंजी, तो किससे ज्यादा सिमिलर है, बेबी से ज्यादा है कि अडल्ट से ज्यादा है, हमारा हमारा जो ये है, बेबी चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट, humans are evolved from chimpanzee, chimpanzee, but baby chimpanzee yani kya, jaise koi organism hai uske initial stage mein, jaise humne embryology dekha na, embryology mein kya dekha humne ki humne embryo se ye dekha, kaise embryo se hum bata sakte ki organisms connected hai ek dusre se ki nahi, ancestors connected hai ki nahi, to koi organisms jinka initial जो ग्रोथ होता है बॉडी का, वो ग्रोथ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स का कुछ सिमिलरिटी है, क्योंकि बाद में वो चेंज हो गए लेकिन पहले इनिशियल पार्ट सेम है। लाइक आई विल गिव अनदर एग्जांपल, ह्यूमंस का जो चाइल्ड होता है फीटस, व्हेन इट इज इन वूम्ब ऑफ मदर, एट दैट टाइम दैट चाइल्ड डेवलप्स हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, वो हेयर्स को बोलते हैं लैनुगो, बोलते हैं लैनुगो, वो लैनुगो डेवलप करता है हेयर्स, और फिर जब वो चाइल्ड बर्थ लेता है तब तक वो लैनुगो डिसअपीयर भी हो जाता है, ठीक है, उसके हेयर्स पूरे बॉडी के डिसअपीयर भी हो जाते हैं, बहुत कम रहेंगे थोड़े बहुत, तो पूरे बॉडी पे हेयर्स आते हैं उसके, साइंटिस्ट बताते हैं। तो अभी ये सब क्यों है, तो दैट वी कैन से क्यों है वो नहीं बने हम बोलेंगे, इस सबसे हम क्या बता सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स से ह्यूमन बींग आए है कि वो ऑर्गेनिजम्स को क्या था, बॉडी पे हेयर्स है, ठीक है। सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका एक ये है क्या कहते हैं उसको, वाक्य है, वो याद रखना चाहिए, एक मिनट, उसके लिए वाक्य है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये याद रखना है आपको, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या है कि जो एम्ब्रियो में है वो, ठीक है, उस समय की सिचुएशन या पहले की यानी बर्थ की जो सिचुएशन से, वो रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है, जो उसका एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड है, तो जो भी आदमी का एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड है जिस ऑर्गेनिज्म का, वो उसके एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में या उसके चाइल्डहुड में वो दिखता है, उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। समझा क्या? यस सर। हाँ, तो एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में आपको दिखा कोई कैरेक्टर, तो समझ लेना उसकी जो फाइलोजेनी है, यानी उसका जो पिछला वाला जो स्टडी है, एंसेस्ट्रल स्टडी जो हमने हॉर्स का किया था, है ना, वो सारा स्टडी
इसमें हमें कुछ पॉइंट्स इसमें हमें ऑन्टोजेनी में उसके दिख जाते हैं, जैसे मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल दिया, बर्ड का भी एक एग्जांपल है। बर्ड्स को भी कभी कभी देखा जाता है कि बर्ड्स के जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो में जो बीक है, बीक के अंदर टिथ टिथ बर्ड्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, बीक के अंदर। हाँ, जैसे ये सब, ये बर्ड का बीक है, ठीक है, बर्ड है, तो इसमें क्या आ जाता है, ऐसा टिथ आ जाते हैं, टिथ बर्ड्स आते हैं, लेकिन ये बर्थ लेता है तब फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, टिथ बर्ड्स चले जाते हैं, यानी पहले आते हैं थोड़े से और फिर चले जाते हैं, ऐसा भी एक रिसर्च किया है किसी ने। सो दिस ऑल्सो कन्फर्म्स द सेम थिंग दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी बिकॉज बर्ड्स दे हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। सो इवोल्यूशन एक्चुअली इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर एंड टू स्टडी इट टोटली इन डिटेल is also a complicated and very tough task, but if we stick to the chapter and the topics which are given and correctly do all the things, then there is no problem. So abhi ye chapter hamare yahan pe aaj khatam hota hai, abhi reh gaya kya, so kya reh gaya, you have to do what you have to do, you have to, from starting you have to remember the names of the scientists, the researches they have done, jaise Urey Miller ka naam liya tha humne, fir Haldane ka naam liya tha, Oparin ka naam liya tha, fir aur do char hai, Dobzhansky, Rector, लुइस पास्चर है, रेडी है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो ये हर सब साइंटिस्ट के नाम आपको याद चाहिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम और उनके रिसर्च के बारे में आता है। यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट याद आना चाहिए आपको, ऐसे फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे लामार्क है, ठीक है, लामार्क है, फिर उसके बाद डार्विन है, फिर और ह्यूगो डी व्रीज है, ऑगस्ट वेस्टमैन का थ्योरी था जिसने वो पूछ काटे थे किसके, माउस के, है ना, ऑगस्ट वेस्टमैन थ्योरी, फिर उसके बाद में there are so many names, so we should remember all the names. क्या क्या हाँ हेडलबर्ग, हाँ यस, सो वो भी हेडलबर्ग का है, जो इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम भी है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी, तो ऐसे सारी चीजें आप याद रख सकते हैं एक एक करके, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न एंड टू रिमेम्बर। अभी नाउ वी हैव एंडेड द चैप्टर, सो आई वुड